हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति स्थल के आधार पर कैंसर के टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो कैंसर पता होगा जिसमें सेल्स अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला जो करेक्टर है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। तो ट्यूमर की प्रवृत्ति के आधार पर अगर वो ग्रोथ एक जगह से दूसरी जगह जाके करता है तो उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और सबसे पहला वाला होता है जो कि फर्स्ट स्टेज में पता होने पे उसको रिकवर किया जा सकता है, वो होता है बेनाइन ट्यूमर, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो सुरदुम। और दुर्दम वाला है उसे बोलते हो आप मैलिग्नेंट, यानी कि दुर्दम मैलिग्नेंट वाला है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे खाली उत्पत्ति स्थल के आधार पर, यानी कि शरीर में जब इनका जनरेशन होता है तो वो कौन कौन सी जगह पर आपको इफेक्ट प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्सिनोमा है। तो क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लेते हैं कार्सिनोमा कौन सा है, सार्कोमा कहाँ पे फैलाएगा आपको कैंसर। तो कार्सिनोमा होता है जो कि एपिथेलियल सेल उपकला ऊतक में, शरीर के उपकला ऊतक में जो कैंसर होता है उसे कार्सिनोमा कहते हैं। कॉमनली फाउंड यानी कि सबसे ज़्यादा आपको कार्सिनोमा ही मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा मेल में अगर सबसे ज़्यादा होता है वर्ल्ड में तो प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है। जनरेटिव ऑर्गन है मेल्स का। फीमेल में बात करें तो मैमल्स ग्लैंड का जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया में बात करें मैक्सिमम देखने को मिलेगा वो मेल में ओरल कैविटी के अंदर, यानी कि मुख गुहा का कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा मेल्स में देखने को मिलता है। फीमेल में बात करें तो यूटेरस सर्विकल कैंसर, गर्भाशय की सर्वाइकल कैंसर यहाँ पे फीमेल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में कौन सा, मेल में प्रोस्टेट मेमरी ग्लैंड, इंडिया में कोरल कैविटी का, ओरल और यूट्रस का फीमेल में कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। बेसिक्स है मेलोनोमा, भी कार्सिनोमा का ही टाइप है जिसमें मेलानोसाइट्स की ग्रोथ होती है, तो ये भी एक तरह का मेलोनोमा है। तो मेलानिन सेल होती हैं शरीर को क्या देती हैं, वर्णक प्रदान करती हैं। अगर ये नहीं होती हैं तो कैसा हो जाता है पर्सन एल्बाइनो, जिससे कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मेलानोसाइट्स की ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, इट्स ए कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा। तो मेलानोमा कौन सा है, कार्सिनोमा का टाइप ही है। दूसरा है हमारा सार्कोमा। तो सार्कोमा भी सबसे ज़्यादा पूछते हैं, यही होता है संयोजी ऊतक और मांसपेशियों का कैंसर। किसका है, मसल्स का है, मांसपेशियों का है, और जो कनेक्टिव टिश्यू है संयोजी ऊतक है उनका कैंसर है। तो मायोसार्कोमा ये मांसपेशियों का है, ऑस्टियोसार्कोमा आपकी अस्थियों का है, लिम्फोमा या फिर कि लिम्फ नोड हैं जो लसका ग्रंथियां हैं उनका कैंसर, उसे बोलते हैं आप लिम्फोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा अस्थियों वाला, मायोसार्कोमा मांसपेशियों का। तो सार्कोमा नाम से आपको क्रैक हो जाना चाहिए माइंड में, संयोजी ऊतक और मांसपेशियों वाला कैंसर कौन सा होता है, सार्कोमा। थर्ड वन है आपका ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, जिसमें जैसे आप WBC कैंसर भी बोलते हो, तो WBC की काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। जैसे आप बोलते हो श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC की सबसे कम मिलती हैं, 4000 से 5000 प्रति घन में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें WBC कैंसर में क्या होगा, आपकी WBC की संख्या की कमी हो जाएगी, जिसे आप बोलोगे ल्यूकेमिया, ठीक है। ओके, फोर्थ नंबर का है CML, क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। ये होता है क्रोमोसोम 22 और 8 के बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के बीच में, ठीक है। ये 22 है गुणसूत्र, ये 8 है, तो इनके बीच में व्युत्क्रम स्थानांतरण की वजह से ये CML होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर याद रख लेना बस। फिफ्थ नंबर का है बर्किट लिम्फोमा, एक एनगन के बीच में होता है, क्रोमोसोम 8 और 14 के बीच में एक्सचेंज होने से। तो बर्किट लिम्फोमा होता है 8 और 14 के बीच में, CML होता है वो 22 और 8 के बीच में, ल्यूकेमिया WBC कैंसर है, इसमें इमेचर यानी कि अपर पक्व WBC भी निर्मित हो सकती है, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। सार्कोमा आपके कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का कैंसर है, जबकि कॉमनली जो सबसे ज़्यादा मिलता है कार्सिनोमा वो किसका कैंसर है, उपकला ऊतक का कैंसर है। तो इनके बेसिक से नाम है जो आपको पता होने चाहिए। सो थैंक्स गाइस।